देखिए बस ये तीनों चीज सबसे ज्यादा तो आरा रोट ही डालते हैं ना अंदर, उसी से कुरकुरे बनते हैं नहीं? हाँ। अच्छा तो क्या आपको पता है दोस्तों ये मंचूरियन जो है कैसे रेडी होता है इस वीडियो में, और हम आपके लिए लेके आए हैं मंचूरियन की फुल रेसिपी। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ और पूरा देखते हैं ये वीडियो और किस तरह से मंचूरियन का स्टार्टिंग से एंड तक किस तरह से रेडी होता है। डाल दी अपना राम भाई, ये मैदा डाल रहा हूँ। अच्छा ये मैदा है और ये आपने गोभी को कटिंग करके चॉप करके एकदम रखिए। आरारोट, अच्छा ये अभी आरारोट भी जा रहा है। हम लोग का फुल मेकिंग आपको दिखाएंगे मंचूरियन कैसे बनता है। आपने काफ़ी टाइम से देखा होगा काफ़ी रेस्टोरेंट में कि मंचूरियन आपने खाते हुए, पर यहाँ कुछ मंचूरियन बनता है वो डिफरेंट टाइप से, और हमारे दोस्त आज पूरी मेकिंग हमको दिखा रहे हैं मंचूरियन बनते हुए। तो बने रहिए हमारे साथ, एक एक रेसिपी आपको दिखाऊंगा। ये क्या डाल रहे हो राम भाई? अच्छा नमक हो गया, आरा रोट हो गया, नमक हो गया, और दूसरी कौन सी चीज़ डाली? मैदा। अच्छा ठीक है, हाँ अच्छा ब्लैक, हाँ हाँ ठीक है। तो थोड़ा रात का हम लोग वीडियो ले रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा, पर बने रहिए बहुत ही मज़ा आने वाला है। मंचूरियन और नूडल भी बना के दिखाएंगे और मंचूरियन भी बना के दिखाएंगे। देखिए मंचूरियन बनते हुए, चाइनीज शॉप में आज जो हमारे दोस्त ने स्टार्ट किया है, और इसी तरह हम लोग आज पूरी मेकिंग देख रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, चलिए मिक्सिंग। अच्छा मिक्सिंग कर रहे हो, देखिए घर से मैं पूरा बना के नहीं आते, यहाँ पर ही शॉप के ऊपर ही ऑनलाइन आपको दिखा रहे हैं मिक्सिंग करते हुए, तो हमारे कोई भी दोस्त आके हम लोग देख सकते हैं। और एकदम साफ सफाई का ध्यान रखते हैं कि किस तरह से बन रहा है। देखिए आप इस तरह कोई भी हमारे ओनर रेस्टोरेंट ओनर आपको दिखाएंगे नहीं कि हम लोग मंचूरियन इस तरह से तैयार कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम आपके लिए मैं लेके आया मंचूरियन का रेसिपी, और बने रहिए हमारे साथ और कमेंट ज़रूर करिए कि आपको और किस चीज़ की रेसिपी चाहिए, तो मैं उस वीडियो आपके लिए तैयार करूं। तैयार कर रहे हैं जिससे पूरी सब चीज़ें इसमें मिक्स एकदम बढ़िया हो जाए और स्वादिष्ट लगे अपने को, कि रूखा खाने से भी स्वादिष्ट लगता है। और सबसे ज़्यादा इनके पास जो पीस होते हैं फ्राई करने के बाद रूखे ही आदमी लेके जाते हैं दोस्त हमारे। और ये देखिए लगता है आप बनते हुए तैयार हो चुकी हैं, रेडी हो चुका है नहीं? हाँ। अभी बस थोड़ी देर यहाँ पर इसको रखेंगे ऐसे ही, और फिर फ्राई करने के लिए रेडी हो जाएगा तैयार। तो यहाँ तेल हो चुकी है और तेल भी देखिए एकदम साफ सुथरा है, और यहाँ पर हमारे ये जो रेडी भी है अभी बस जाने वाला है रेडी करने के लिए। किस तरह से अभी फ्राई कर रहे हैं वो भी देखें, कितनी मिनट लगती है वो भी ट्राई करें कि आप भी इसी तरह घर पे बना सको मंचूरियन। कितनी मिनट लगती है फ्राई होने वो भी देखें। देखिए हमारे दोस्त की स्पीड देखिए मंचूरियन बनाने की, और आपने देखे होंगे बहुत बड़े बड़े तपेले भर के रखते हैं, एक एक पीस करके यूँ हाथ से ही डालना पड़ता है। इसके लिए कोई भी मेकिंग मशीन नहीं आती है, हाथ से ही पूरा मेकिंग प्रोसेस होता है। और आप ही सोच सकते हो अगर बड़े स्टोर में अगर आप मंचूरियन खाएं तो कितनी सारी क्वांटिटी में होते हैं, और एक एक पीस करके ही बनाते हैं। और ये देखिए पूरा रेसिपी, और हमारे राम भाई हैं जो इनका स्टोर है ओस्लो पर, ये हनुमान जी का मंदिर, और वो वहाँ पर रास्ता इस साइड में जाता होगा, ओस्लो सर्कल पर जा रहा है, और ये साइड में जो रास्ता जा रहा है वहाँ पर आप देख रहे होंगे वो हाईवे, वो जा रहा है जोन की तरफ, और ये जो आपको गाड़ी जाती हुई नज़र आ रही है वो हमारी जा रही है गांधीधाम के बाईपास, और यहाँ पर ही हमारे दोस्त का एक स्टोर है और यहीं भी बनाते हैं हमारे दोस्त मंचूरियन।
राम भाई, आप कितने साल से ये चाइनीज का ये कर रहे हो दुकान? हो गया यार, 4-5 साल से ऊपर। अच्छा, 5 साल से ऊपर हो गया। और पहले भी आप कुछ ऐसे रेस्टोरेंट में ही काम कर रहे हैं या और कुछ बिजनेस था? रेस्टोरेंट में काम करते हैं। अच्छा, पहले से रेस्टोरेंट लाइन में ही हो नहीं आप? ठीक है। और भी इनका एक रेस्टोरेंट था यहाँ पर ओस्लो के पास, तो वहाँ स्टोर बंद करके पार्टनरशिप में और अभी खुद का धंधा चालू किया है ये स्टोर। आइए और राम भाई के पास आप भी मज़ा लीजिए मंचूरियन नूडल का। और भी मैं वीडियो ये मंचूरियन और नूडल का भी हम लोग वीडियो बनाने वाले, देखते रहिए इसमें हमारे साथ और कंटिन्यू पूरा वीडियो देखिए। कितना मिनट लगता होगा इसको फ्राई करने में? 10-15 मिनट। अच्छा, 10 से 15 मिनट लगता होगा इसको फ्राई करने में। हो गया रेडी मंचूरियन। बराबर है। इतना सारा थोड़ी आइए और एंजॉय करिए मंचूरियन नूडल और बहुत सारी ऐसी चाइनीज डिशेस का जो हमारे दोस्त बना रहे हैं। तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, जाके हमारे दोस्त को बेनिफिट हो सके अपने बिजनेस में। थैंक यू दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए।